नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है बैकग्राउंड मोबाइल इंडिया मास्टर सीरीज में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, टीम TSM. सो बॉयज, फर्स्ट टाइम टीवी पे लैन हो रहा है, ब्लेज आपसे शुरुआत करूंगा, कितने एक्साइटेड हो आप? सो लाइक वेट टू एक्साइटेड कि हम लोग टीवी पे आएंगे, लाइक स्पोर्ट्स इतना करोगे इंडिया में, कभी लाइक विश टू वॉच बिफोर IPL वगैरह टीवी पे एकदम, सो भी हम लोग टीवी पे आएंगे, सो एक बहुत प्राउड फीलिंग है, और हम पेरेंट्स से बहुत प्राउड है, आई मीन फैंस, सो वेरी एक्साइटेड. Equinox, लाइक बचपन से लाइक टीवी पे सब दिखते थे, सो लाइक अभी जो लाइक अंडरडॉग्स है सब सब हमें देखेंगे तो एक प्राउड फीलिंग है, जैसा ब्लेज ने बोला, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट बोल सकते हैं. व्हाट अबाउट यू वांटेड? सो इससे लाइक सिंपल अपने को दिख रहा है कि लाइक अपना कितना ग्रो हो चुका है स्पोर्ट्स, कि अब लाइक टीवी पे भी कास्ट होने वाला है, तो जैसे कि ब्लेज ने बोला कि लाइक IPL एंड क्रिकेट के जो लीग्स से हम देखते थे, अब ई स्पोर्ट्स भी अगर कास्ट होगा तो इट्स अ बिग थिंग. सो डेफिनेटली अ बिग थिंग. एंड निंजा, आपका क्या ख्याल है? बहुत खुश हूँ मैं, लाइक जैसे सीन था ऐसे कि टीवी पे आ रहे हैं तो सब लोग देखेंगे, खासकर घर वाले देखेंगे, उनको एक लगे कि हाँ चलो कुछ कर रहे हैं लोग अभी गेम में. अच्छा. तो आप लोगों को पता, जैसे फैमिलीज बोलती है कि क्या करोगे गेम खेल के ये, बट अभी स्पोर्ट्स इतना ग्रो हो चुका है तो अब लोगों को समझ आ रहा है कि अभी स्पोर्ट्स एक अलग लेवल पर चला गया टीवी पे, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ कि अभी चलो लोग देखेंगे जाने कि हाँ ये बंदा. तो ऑफकोर्स TSM, अभी वी हैव नोन कि आपके अंदर अभी रोस्टर के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, एंड आई थिंक द बक स्टॉप्स एट यू वांटेड. तो फर्स्ट टाइम आप आए हो, सडनली आपका फर्स्ट टीयर वन एक्सपीरियंस विथ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन इंडिया राइट नाउ, सो नर्वस हो, कैसे फील कर रहे हो? नर्वसनेस तब होती है लाइक जब बंदा खुद को थोड़ा वीक फील करे, और जब मेरे पास टीम ऐसी है तो फिर नर्वसनेस का तो कुछ लाइक क्वेश्चन ही नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ ये है. एंड उसके अलावा बेसिकली जैसे मैं जिन लोगों को देखता था बीइंग एन अंडरडॉग, अब उनके अगेंस्ट खेलना है सेम लॉबी में, वो भी इतना बड़ा लैंड जो टीवी पे कास्ट होने वाला है, तो यस सब कुछ एक्साइटिंग है और नर्वसनेस नाम की कुछ चीज़ अभी तक नहीं है. सो ऑफ कोर्स आई मीन वांटेड आए, एंड यहां पे सबसे बड़ा सवाल हो जाता है TSM का IGL कौन है अब? मैं IGL अभी फिलहाल. व्हाट? यस. सो कैसे, आई मीन ब्लेज आपने ये ट्रांजिशन कैसे किया सडनली, टेल मी अबाउट इट. सो मेरा जो प्रीवियस रोल था टीम में वो एक फिल्टर सपोर्ट था. ओके. सो लाइक मेरा जो मेनली था कि जो IGL था हमारा उसको हेल्प करना है, यूजुअली गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन आइडियाज. सो हमारे कोच उन्होंने बोला कि लाइक तेरे कॉलिंग बहुत एक्यूरेट है, सो यू ट्राई बिकमिंग द IGL ऑफ द टीम, और जो मेरे टीम मेट्स आई नो देम वेरी वेल, हाउ दे प्ले, उनका माइंड सेट, सो आई कैन प्ले, आई कैन जस्ट नो उनको लीड कर सकता हूँ प्रॉपरली कि कैसे खेलना है प्रॉपरली लाइक मैच के अंदर. आई वॉन्टेड इज न्यू, सो वो उसका जो रोल अभी रहेगा वो एक फिल्टर सपोर्ट जो मैं करता था पहले, सो आई कैन गाइड हिम प्रॉपरली कि मैसा था, सो यू नो यू कैन ट्राई दिस, ट्राई दीज थिंग्स, यू कैन हेल्प मी इन दीज थिंग्स, सो विल वर्क, इट विल वर्क आउट वेरी वेल, लाइक वी होप सो. बहुत ही बड़ा गैम्बल लिया गया है. सो Equinox, टेल मी अबाउट इट, लाइक आप शैडो के IGL के अंडर खेल चुके हो, ब्लेज के IGL के अंडर खेल चुके हो, तो डिफरेंस क्या रहा? ब्लेज लाइक शैडो का रहता है कि लाइक बहुत सिमिलर रोटेशन रहते हैं लाइक जो पहले करवाता था, लेकिन ब्लेज का ऐसा है कि ब्लेज बहुत दिमाग लगाता है, ब्लेज नया नया चीज़ ट्राई करवाता है, एंड तो जो लाइक वो नया चीज़ ट्राई करवाता है लाइक हमें भी अच्छा लगता है खेलने में, एंड नई चीज़ सीखने मिलती है तो टीम के लिए और हेल्पफुल रहता है वो. सो लाइक ब्लेज मतलब ब्लेज के अंदर दिमाग बहुत है, एंड ऐसे नहीं बोल रहा कि शैडो में नहीं है, लेकिन ब्लेज लाइक इन अ वे IGL में बहुत अच्छा कर सकता है, और पोटेंशियल बहुत है उसमें, अभी उसको अनलॉक करना है वो चीज़, लाइक हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो लैन में दिखेगा जो भी लाइक ब्लेज करवाएगा तो होपफुली अच्छा ही जाएगा, तो कोई फिंगर्स क्रॉस. यस. और आते हैं अभी हमारे डायनामिक प्लेयर निंजा जॉट. सो निंजा उड़ीसा से हो, एंड फ्रॉम अ वेरी हम्बल प्लेस, एंड सडनली आए हो मेकिंग इट बिग, यू नो गोइंग अप अगेंस्ट द बिग नेम्स. इतने ई स्पोर्ट्स एथलीट्स कभी उड़ीसा से आए नहीं थे, प्रॉब्लम्स क्या रही थी, आपकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बताइए. प्रॉब्लम्स तो बहुत आती है, लाइक अभी तो मैं जैसे प्रोफेशनल तरीके से खेला हूँ तो प्रॉब्लम्स बहुत आती है प्रोफेशनल प्लेयर्स के, लाइक जैसे मैं उड़ीसा से हूँ उधर पिंग इशूज बहुत रहते हैं, लाइक जैसे 70-200 तो थोड़ा बहुत टफ होता है. और ये बताऊँ तो पहले सीन ऐसा नहीं था कि लाइक घर वाले इतने सपोर्ट नहीं करते थे, बोलते थे क्या करेगा पढ़ाई कर गेम में क्या करेगा, तो ऐसे एक फर्स्ट डिवाइस दिए थे कि बोले बच्चा इतना जीत कर रहा है तो दे देते,
तो फिर दिए थे जस्ट लाइक डिवाइस के एक मंथ या दो मंथ बाद लाइक मेरे पापा एक्सपायर्ड कर गए थे, तो मैं थोड़ा बहुत डर गया था कि मैं क्या करूँ अभी, बट फिर थोड़ा हिम्मत आया, अभी मैं कैरियर इस पर बनाना है क्योंकि मैंने मेरे पढ़ाई को थोड़ा साइड रखा, मेरे को बोला मेरे को इसमें मेरे को पता है मैं कुछ कर पाऊँगा, मेरे को कुछ बनना है, तो मैंने पूरा उस पर फोकस किया। तो फिर घर वालों ने थोड़ा लाइक डिवाइस दिया अच्छा, फिर मैं थोड़ा बहुत T1 खेलने लगा, फिर मैं मेरा फर्स्ट लाइक जो T1 टीम था STA उनका ज्वाइन किया था, तब थोड़ा लाइक जो भी बंदे थे तो लोग सोच रहे थे कि कौन सा प्लेयर है क्या बहुत एकदम बढ़िया मार रहे खेल रहे, तो फिर बहुत थोड़ा उधर सीन भी हुआ था, तो एक टाइम पर डर लगा था कि उस टाइम भी क्या करूँगा, अभी अभी जस्ट आया हूँ कर पाऊँगा कि नहीं। तो मेरे भाई और मम्मी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने बोला कि बेटा कर लेगा। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते मैं TSM आया और अब इधर सो वॉन्टेड। TSM ऑलरेडी एक लैन में एक ट्रॉफी उठा के जा चुकी है, एक दूसरा लैन है आपके साथ, डू यू फील ले सकते हो? यस, सुपर कॉन्फिडेंट, सुपर कॉन्फिडेंट 100%। यस, सो नाउ वी ऑल कम डाउन टू दिस राइट, एज एन ई स्पोर्ट्स एथलीट, ठीक है, कितना मुश्किल रहता है आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना, और अभी कैसे लाइक पेरेंट्स आपको सब देख रहे हैं, सो हाउ वाज द एंटायर स्टोरी लाइन? सो लाइक मैंने स्टार्ट किया स्पोर्ट्स 2 इयर्स पहले, सो स्टार्टिंग में लाइक फैमिली तो सपोर्ट नहीं थी, दे वाला लाइक इसमें क्या होगा, लाइक तेरा फ्यूचर में क्या है, क्या अर्निंग कुछ नहीं है। सो मैं लाइक स्टडीज़ में इतना अच्छा था नहीं, लाइक मुझे इतना वो नहीं था, बिकॉज मैं ऑलरेडी गेमिंग में पहले से था, आई हैड टू प्ले बिफोर अर्लियर गेम्स लाइक COC वगैरह, सो मेरा पहले से बहुत गेमिंग में एडिक्शन था। सो मैंने ये लाइक ट्राई किया ये गेम, और डैड बोल रहे थे कि इससे कुछ नहीं होगा, तेरा फ्यूचर ख़राब है ये सब, सी मेन थिंग इज़ इनकम। सो जब लाइक धीरे धीरे लाइक छोटे टूर्नामेंट्स आ रहे थे बैंक के टाइम पे मेनली, जो गेम बैन हुई थी और कोविड भी था, तो मेरे कॉलेज ही बंद था, सो वही मेन टाइम मैंने मेरा फुल ग्राइंड किया। मेरे पेरेंट्स को बोला गेम में 6 मंथ्स, इसमें अगर कुछ नहीं हुआ सक्सेस तो आई कम बैक टू स्टडीज़, तो वही 6 मंथ्स में मैंने सक्सेस हुआ, इनकम भी आया, सो पेरेंट्स सपोर्ट ही हो गए, उन्होंने थोड़ा मेरे को लेवरेज दिया कि यस तू कर ले, तेरे को और टाइम देते, सो वही अभी TSM में, सो अभी तो फाइनली मेड इट टू द बिगेस्ट ऑर्ग इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स एक्विनॉक्स, इतने बड़े यू नो ऑर्ग में आप एसोसिएटेड हो, इतने सारे टाइटल्स जीत चुके हो, ट्रॉफीज जीत चुके हो, एक मैसेज आपके फैंस के लिए? फैंस के लिए तो लाइक जब से आप सपोर्ट करते हो, लाइक जब से सपोर्ट कर रहे हो बहुत अच्छा लगता है, अभी डाउनफॉल पे भी आप सपोर्ट करते हो, लाइक ऐसे बहुत कम फैंस है लाइक कि सपोर्ट करते रहते, लेकिन आप जो दिल से सपोर्ट करते हो बहुत हमारे लिए बहुत होता है वो, लाइक हमें मोटिवेट करता है इन अ वे। होपिंग सो कि ये ट्रॉफी भी आप लेके जाओ, एंड दिस वाज ऑफ कोर्स स्टीव सोलो मेड।